हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड पहले तो सॉरी कि मैं कल वीडियो शूट नहीं कर पाई, क्योंकि कल थोड़ी सी मेजर प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। मैंने काफ़ी कोशिश करी कि मैंने रात के 3 बजे तक भी कोशिश की कि मैं वीडियो शूट कर दूँ, लेकिन नहीं हो पाई वो वीडियो शूट। तो मैं आज उसके बारे में बात करूंगी, कल जो मैटर हुआ था मेन मेन पॉइंट्स उठाऊंगी। ज़्यादा बात नहीं करूंगी मैं उस चीज़ के बारे में, ज़्यादा डीपली बात नहीं करेंगे। जो जो मेन हाइलाइटेड पॉइंट थे वही मैं बात करूंगी। लेकिन आज के बिग बॉस में बहुत कुछ हुआ है। जिस तरीके से सुरभि कल से ही जिस तरीके से लेवल पे वो बात कर रही है, जिस तरीके से चिल्ला चोट कर रही है, वो कहीं ना कहीं बहुत ही अगली वे में होता जा रहा है। और जिस तरीके से उन्होंने सुरी को प्रवोक किया, और प्रवोक करने के चक्कर में सिरी ने आखिर में वो काफी 2-3 पॉइंट ऐसे बोल दिए जो एक लड़की के लिए बहुत बड़ी बात होती है। श्री के लिए जो भी पॉइंट्स सुरभि ने बोले, देखो वो कहीं ना कहीं हमें भी दिख रहे हैं, हमने भी वो चीज़ें देखी हैं और हम भी उन चीज़ों से जुड़े हुए हैं। लेकिन सुरभि के लिए ऐसे गंदे वर्ड्स बोलना और एक लिमिट से बाहर बोलना, मैं उसके लिए देखो एग्री नहीं करूंगी, बिकॉज मैं भी एक लड़की हूँ और मेरे लिए कल को ऐसा कोई बोलेगा तो माँ कसम मैं सच बता रही हूँ, उसका बस उसको तोड़ दूंगी मैं अच्छे से, बहुत बहुत अच्छे तरीके से मैं उसको तोड़ डालूंगी। तो काफी गलत बातें बोली हैं श्री ने। तो अब जल्दी से बात कर लेते हैं कि पहले कल क्या क्या हुआ, क्या क्या हाईलाइटेड था। सबसे पहले तो श्री रोहित से काफी नाराज हैं, सुरभि से बहुत नाराज है कि यार ये क्या बंदे हैं, किस तरीके से बात करते हैं और इनके बोलने चालने का कोई तरीका नहीं है, कुछ भी गेम के लिए कुछ भी करना होता है इनको। मैं सच में मतलब रोहित के लिए वो ज्यादा बोल रहे थे कल वाले एपिसोड में। वहीं पर ही जसलीन ने अपनी थोड़ी सी बातें बोल दी कि यार मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकती, अगर मैं कंट्रोल करूंगी तो मैं कहीं ना कहीं घुट जाऊंगी उन बातों से, तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकती। ऑब्वियसली आर्टिस्ट एक ऐसी ऐसा चीज़ है जो दुनिया के सामने जितना खुलकर आएगा उतना ही लोगों को उसको देखने में परखने में बहुत मजा आएगा। अगर आप एक आर्टिस्ट होकर अपने आप को छुपाओगे दिखाओगे नहीं, तो वो कहीं ना कहीं आपको खुद को एक घुटन वाली बात हो जाती है। वहीं पर ही सोमी और रोमिल ने कल एक उनमें अपनापन दिखाई दिया, अपनी एक तरह की बातचीत दिखाई दी, एक एक उनकी तरफ से साइड ऐसी निकल कर आ रही थी कि हाँ इन लोगों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है एक दूसरे के साथ में। जहाँ उनकी दोस्ती को मनु मनवीर की दोस्ती के साथ में भी जोड़ दिया, तो काफी काफी बेस्ट दोस्त रहे हैं वो बिग बॉस में। तो वहीं पर बात की उन्होंने, जहाँ पर वो बार बार रोमिल दीपक स्वामी को ये कह रही थी कि तुमने भाई दीपक को डिफेंड किया है, तुमने तो उसी वजह संचालन में तुम केबी का मुद्दा नहीं लेकर आना चाहती थी, तुमने दीपक को सपोर्ट किया, तुम दीपक के पक्ष में थी, और काफ़ी सारी मतलब उन्होंने ये वाली और स्वामी के ऊपर पॉइंट बोल दिया कि तू बताती नहीं है तेरे मन में कुछ है, लेकिन तूने फिर भी देखो तूने दीपक को ही सपोर्ट किया इतना होने के बाद में भी। वहीं पर ही उन्होंने छोटे मोटे से गाने गाए आपस में, कहीं पे ने गाए कभी कहीं पे सारा वाला। तो वहीं पर ही रोमिल ने पूछा कि भाई क्या है तू गुस्सा बहुत रहती है मेरे से, तो स्वामी ने कहा देखो मेरा ही नेचर है, जब मुझे किसी इंसान से बात नहीं करनी होती या मेरे मन में कुछ होता है तो मैं उससे बात नहीं करती, और मुझे मैं तो आपसे गुस्सा हूँ अभी, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। तो एक छोटा सा प्यारा सा एक लवली तरीके का एक वे दिखाई दिया, मतलब जैसे एक दूसरे के लिए जो क्यूट होता क्यूटनेस सॉरी केयर होती है, और जो एक दूसरे के लिए मतलब कि रेस्पॉन्सिबिलिटी या जो एक चीजें होती है, एक वायर कनेक्ट हो जाते हैं एक दूसरे से, एक दोस्ती में जो वायर कनेक्ट होते हैं उसी तरीके से एक वायर कनेक्ट होते हुए हमने दिखाई दी है। वहीं पर ही दीपिका और मेघा ने बात की उन दोस्तों के बारे में जो हैप्पी क्लब में थे, कि यार ये लोग पता है क्या है, ये लड़ लेते हैं कुछ लेते हैं एक दूसरे से, लेकिन जब टास्क की बारी आती है ना तो ये सब एक हो जाते हैं। जहाँ रोमिल आज हमारी टीम में है ना, अगर कहीं पर कल उनको एक साथ होने की बारी आई तो ये लोग एक साथ हो जाएंगे, ये बिल्कुल भी सोचेंगे नहीं इस बारे में। तो कहीं ना कहीं वो दीपिका को कहीं ना कहीं कन्फर्म है कि अगर हैप्पी क्लब का कोई भी बंदा हमारा साथ देता है और एन मौके पर अगर अपने फ्रेंड को डूबते हुए दिखाई देगा वो, तो ऑब्वियसली वो उसको पहले बचाएगा। ओके, वहीं पर ही आज बिग बॉस ने अनाउंस किया कि घर में होने वाला है कैप्टनसी के टास्क, जहां पर आपको 4 बंदों को ऐसे सेलेक्ट करना होगा जिन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया अपना बीवी पंचायत में। तो उसके जहां पर जो 4 सदस्य निकल कर आए वो थी दीपिका थी, सुरभि थी, दीपिका थी, सुरभि थी और
दीपक थे और शायद जसलीन का पता नहीं किसने पकड़ा था जाने, हाँ रोमिल, रोमिल ये 4% थे। ओके उसके बाद में जिस तरीके से परफॉर्मेंस थी वो इस तरीके से थी कि तलवार जो तलवारों का वो और मतलब कि तलवारों की सेफ्टी करनी थी और वो खुद घर वालों को नहीं करनी थी, उनके जो उनके दोस्त हैं जिनको बहुत ज्यादा मानते हैं, उनका दिल से कनेक्शन है एक दूसरे के साथ में, या वो बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं एक दूसरे को, उनको वो तलवारों की सुरक्षा करनी थी। और वो जो दूसरे जिनकी तलवारें थी वो चट्टानों में धसी हुई, उनको कहीं ना कहीं कन्वेंस करना था, एक मतलब उन्हीं को खड़े हुए उन लोगों को कन्वेंस करना था कि वो कैप्टनसी की दावेदारी मतलब कैप्टन क्यों बनना चाहते हैं घर के अंदर। वहीं पर ही ये टास्क स्टार्ट हुआ जहां पर पहले ही सुरभि ने बात कर ली थी मेघा से कि मेघा आप मेरे लिए प्लीज ये टास्क कर सकती हो, क्योंकि कहीं ना कहीं सुरभि को भी लगता है कि मेघा बहुत अच्छी परफॉर्मर है और वो टास्क जब करती है तो वो जी तोड़ मेहनत के साथ में टास्क करती है, वो पीछे हटती नहीं है उस चीज में। लेकिन उसके बाद में ही मेघा ने सपोर्ट किया दीपिका को, और जिस वजह से रोहित जो थे वो नाराज हो गए कहीं ना कहीं सुरभि से कि तुमने पहले उनसे जाकर पूछा तो मैं मेरे ऊपर बिलीव नहीं है, तो उसने कहा कि भाई तेरी सुसु प्रॉब्लम है तो मैंने उसकी वजह से नहीं बोला था। और शायद इसी प्रॉब्लम की वजह से जहाँ सुरभि भी उनको नहीं बोली, लेकिन ये गलत था क्योंकि वो उनके फ्रेंड है, उनके अभी ग्रुप में बने हुए थे, उनको कहीं ना कहीं पूछना चाहिए था। लास्ट में उन्होंने ही उनके लिए परफॉर्म किया और भारत की पूरी जनता के सामने उन्होंने टॉयलेट कर डाला, कमर के अंदर छुपकर और स्वीपर में, सुरभि के स्वीपर में उन्होंने टॉयलेट कर डाला। जो शायद लास्ट ये प्रियंका जग्गा के टाइम पे हुआ था, प्रियंका जग्गा ने ये सब किया था। तो लेकिन ठीक है, अच्छा है आप दिल से परफॉर्म कर रहे हो, कहीं ना कहीं जो रोहित है अभी इस गेम को समझ रहे हैं, गेम में आ रहे हैं, गेम में दिख भी रहे हैं बिग बॉस में, तो ये बहुत अच्छी बात है। वो अपने आप में बहुत बदलाव लेकर आए हैं अभी, तो उसी बेस पे उन्होंने स्वीपर में टॉयलेट वॉयलेट कर दिया। ठीक है नॉर्मल है ये तो, क्योंकि यहाँ तक तो स्वामी ओम ने टॉयलेट छिड़क दिया था भीजे पानी के ऊपर। तो यही मैं रोहित की वाली बात को, अगर कोई लोग अपसेट है कि उसने टॉयलेट कर दिया स्वीपर में, तो ये कोई गलत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से मेघा उनसे बात कर रही थी, प्रयोग कर रही थी उन चीजों को, और जिस तरीके से रोमिल वगैरह ने उनकी खिल्ली उड़ाई, उनके ऊपर एक न्यूज बना डाली उस चीज के बारे में कि क्रैम्प आ रहे हैं उनको, तो टॉयलेट आ रहा है, बंप में ट्रैम्प क्रैम्प आया और ये वो, तो कहीं ना कहीं उनको वो शायद वो एक कहीं ना कहीं ईगो पे लग जाती है, वो फेस से दिखती है उनके ईगो पे लग गई। तो उन्होंने कहा ले अब भाई टास्क तो करना ही है। तो मेघा से उन्होंने बोला भी कि भैया लौंडा लौंडा को देखना है ना, तो देखा कर दिया उन्होंने टॉयलेट सबके सामने, तो टॉयलेट उन्होंने कर दिया वहीं पर ही। जैसे ही उन्होंने टॉयलेट किया तो बिग बॉस का फिर से अनाउंसमेंट हुआ कि जिस तरीके से शायद आप गेम को समझ नहीं पाए और आप गेम को गलत ले गए, टास्क इस तरीके से नहीं था, टास्क इस तरीके से था कि आपको कन्वेंस करना था, और कन्वेंस करके कि मैं इस कैप्टनसी में क्यों आगे आना चाहता हूँ, और विरोधी टीम से बात करके। लेकिन ये देखो बिग बॉस वाले अपनी तरफ से जब कुछ नहीं होता है या कोई मिर्च मसाला नहीं मिल पाता है तो वो क्या करते हैं, एक मत बहुमत पे आ जाते हैं। लेकिन ऐसा उनको भी पता है कि होगा नहीं, बहुमत के हिसाब से भी बिल्कुल नहीं होगा। वहीं पर ही बिग बॉस ने वही सेम हस्तक्षेप किया उस चीज में, और वहीं चार लोगों के बीच में जो चार लोग थे वहां खड़े हुई उनको ही आपस में बातचीत करके कन्वेंस करके एक दूसरे को बहुमत के आधार पर एक एक को निकाल फिर दूसरे को तीसरे को ऐसे निकालना था। लेकिन उस भी टास्क में वो चीज नहीं हो पाई और वो लास्ट में आके टास्क रद्द हो गया। लेकिन रद्द तो हो गया, लेकिन उस रद्द होने के बाद में भी वहां से दो तीन चीजें बहुत पॉइंट वाली निकल कर आई। देखो पहली पॉइंट वाली चीज थी जैसे कि सुरभि और श्री की लड़ाई दिखाई दी वहां पे, जैसे कि वो दीपिका जब सपोर्ट कर रहे थे आपस में भिड़ गए, और देखो मैं इस बात में बिल्कुल भी एक लड़की को सपोर्ट नहीं करूंगी, जिस तरीके से वो एकदम से आई दौड़ते हुए और जिस तरीके से वो एकदम भिड़ी उनकी ये पार्ट जिस तरीके से उनका भिड़ा, मुझे वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बियर्ड लगा। अगर मुझे कोई ऐसे भी टच करता है या कोई लड़ाई झगड़े में या कुछ ऐसा होता है तो मैं उन चीजों से दूर रहना ज्यादा पसंद करूंगी। लेकिन सुरभि जिस तरीके से हाई लेवल पर लेवल तक पहुंच जाती है, जिस तरीके से वो बात करती हैं, मुझे उनका वो बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप सिर्फ बातों से मुंह से बात कीजिए, आपको जो बोलना है मुंह से बोलिए, लेकिन एक लिमिट में। उसके बाद में भी वो बाज नहीं आई
और जबरदस्त उन्होंने खूब जमकर हंगामा मचाया, जहाँ पे मुझे तो ये समझ में आ रहा है जो लोग वहां पर हैं वो किस तरीके से सहन कर रहे होंगे, श्री को भी उनको भी सुरभि को भी, मतलब बहुत ही अजीब से, उनको तो मुंह में बंद कर देना चाहिए उन लोगों को और एक कमरे में, और छोड़ देना चाहिए एक दूसरे से लड़ने के लिए, देख तो कितने लड़ते हैं तुम, 2-3 दिन के लिए, 1 दिन के लिए उनको अकेला छोड़ देना चाहिए। वहीं पर ही उनके बीच में बहुत ज्यादा भयंकर लड़ाई हो गई आपस में, जहां पर वो लिमिट से क्रॉस हो गए, और उसी बीच में प्रवोक करने के चक्कर में जहां वो श्री पहुंच गई करण के पास में, और जहां उन्होंने करण को ये बोला कि मैंने तो ब्रेन लारा को गुस्सा दिला दिया क्रिकेट के मैदान में, तो ये क्या चीज है, इसको तो मैं प्रवोक आराम से कर लूंगा। वो बेसिकली रोहित के लिए बोल रहे थे वो चीज के, रोहित को मैं हटवा ही दूंगा कैसे ना कैसे प्रवोक करके, लेकिन वो बात कहीं ना कहीं करण ने ऐसे तुरंत ही बोली कि मैं ये चीज वीकेंड के बार पर लाना चाह रहा हूं और मैं ये लेकर आऊंगा, और मैं इसको लेकर ही आऊंगा। ओके तो ये टास्क, इतनी लड़ाई और सब कुछ होने के बाद में, रोहित की टॉयलेट करने के बाद में भी ये टास्क रद्द हो गया, और रद्द हुए टास्क में तो फिर तुम जानते हो कैसी प्रतिक्रिया होती है। वही परिषद में कह इस एक बात बोलूँ तो इसमें मेघा की हाय लग गई इस टास्क में, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं दावेदारी के लिए बिल्कुल भी नहीं आने दिया गया, और जहाँ पर वो बिखर गई थी और जिस तरीके से वो रिएक्ट कर रही थी घर में जब कैप्टनसी के लिए अनाउंसमेंट हुई कि मेरी भी कोई बात सुनो, मुझे भी दावेदारी में आना है, मैं नहीं तो कोई नहीं। वहीं पर ही उन्होंने फिर से वही काम किया जहां पे मैंने आपको पहले भी बोला था, मेघा एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, मैं मानती हूँ उस चीज को, लेकिन पता है वो क्या करती है, वो लोगों के वर्ड्स तो पकड़ती ही पकड़ती है, साथ में उनको रिपीट भी करती है। जब भी कई सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जहां उन्होंने वर्ड्स पकड़े हैं, जैसे रोहित ने फाड़ दूंगा वाली बात बोली तो उन्होंने वो रिपीट किया, दीपक ने भी उनको एक बार बात बोली थी वो भी उन्होंने रिपीट किया, उसके बाद में उन्होंने एक जो जसलीन ने शायद सरपंच वाले टास्क में बोले थे कि मैं क्या घास काटने थोड़ी आई हूँ, तो वही बात उन्होंने किचन में काम करते हुए बोल दी कि ना मैं तो भैया यहाँ घास काटने ही आई हूँ। तो वो वर्ड्स को पकड़ती है मेघा, उनको लगता है ना कि ये सॉलिड वाला वर्ड्स है तो उसको पकड़ो, तो वो उस चीज को पकड़ के और उसको कंटिन्यू बोलती जरूर है वो, तो वो ही किया वैसे मेघा ने। ओके उसके बाद में टास्क के दौरान भी काफी चीजें हुई, वैसे टास्क के दौरान जो देखो जो चीजें हुई ना, वैसे तो मोस्टली सुरभि वाली और श्री वाली थी, लेकिन मुझे ना वो चीजें बहुत ज्यादा गलत लगी कहीं ना कहीं, मैं एक बोलने के हिसाब से और एक जिस तरीके से हिसाब से वो गेम कर रहे थे वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गलत गेम निकल कर आ रही थी वो चीज में, तो गेम तो हालांकि रद्द हो गई। वहीं पर ही संचालन वाली बात आई, और पता है उस गेम के दौरान एक बात और निकल कर आई, जो बात थी दीपक की। दीपक की बात को मैं कैसे बोल सकती, क्योंकि ये पूरे बी की हैशटैग वाली बात थी, हैशटैग दीपक की बात, जहां उन्होंने जसलीन को बोला कि ना तो ये मेल है ना ये फीमेल है, जसलीन क्या है भाई, जहां पर करण ने बोला इधर आ इधर आ, तूने पता कितना बड़ा स्टेटमेंट बोला है अभी, ना वो मेल है ना फीमेल है, पागल है तू क्या बोल रहा है। अरे सॉरी यार मैं तो ये क्या बोल गया, हालांकि ऐसा दीपक ने बोला नहीं है, मेरे वर्ड्स थे। तो वो वाली बात आ गई जहाँ पे करण ने उनको कहीं ना कहीं ये नोटिस भी करवाया कि तुमने दीपक की ये बात बहुत ज्यादा गलत निकाल दी है। पे पता है जब ये टास्क रद्द होने वाली बात हुई तो उसके बीच में ना बिग बॉस ने एक पॉइंट मारा था कि जब जो क्योंकि बिकॉज वो आपसी आपसी सहमति कर नहीं पाए, लेकिन देखो मेरा ऐसा मानना है कि आपसी सहमति इसमें हो सकती थी बिकॉज इसलिए कि सुरभि ऑलरेडी कैप्टन रह चुकी थी, और मेरे हिसाब से कैप्टनसी में सबको मौका मिलना चाहिए, बिकॉज कैप्टनसी पे देखो एक अगर अधिकार मिलता है तो वो अधिकार आपको भी पहले भी मिल चुका होता है, तो कहीं ना कहीं सबको एक एक, एक मौका मिलना चाहिए, देखना चाहिए उनकी कैप्टनसी में। तो देखो रोमिल ऑलरेडी 3 बार रह चुके हैं एज ए लक के हिसाब से, सुरभि ऑलरेडी 3 बार रह चुकी हैं, पिछले हफ्ते की भी वो, इस हफ्ते की भी वो कैप्टन रही। मेरे हिसाब से दीपक और दीपिका में कहीं ना कहीं ये जो कैप्टनसी का टास्क था ये होना ही चाहिए था, ये दोनों को होना चाहिए था, और ये धीरे धीरे करके चलता तो काफी इंटरेस्टिंग होता, एक दूसरे को कन्वेंस करना और समझाना उस चीज के ऊपर। लेकिन जिस तरह से वो 2 बार, जिस तरीके से पहली बार वो गेम को चेंज कर दिया गया, दूसरी बार में उसको मतलब पूरा रद्द ही हो गया, और रद्द होते होते उन्होंने बिग बॉस ने पॉइंट भी मार मार दिया उनके ऊपर, घर वालों के ऊपर, कि जहाँ 2 सरपंच आपसी सहमति नहीं कर पाए तो 4 लोग क्या आपसी सहमति कर पाएंगे, और ये कहीं ना कहीं एक पॉइंट वाली बात थी। तो
ऑब्वियसली टास्क रद्द हो गया। वहीं पर ही करण और सुरभि ने बात की, जो आपस में वो लास्ट में आते हुए जैसे कंक्लूजन हम लिखते हैं ना ऐसे के बाद में, तो वही एक कंक्लूजन पर जिस तरीके से क्या हुआ और क्या मीन्स रहा पूरे दिन, तो वो वाली उस तरीके से बातें करते हैं वो। तो उन्होंने जहाँ पे श्री के लिए बोला कि भाई मैं ब्रेनलर वाली जो बात थी मैं उसको जरूर लेकर आऊंगा, वहीं पर सुरभि ने कहा कि भाई ये जिस तरीके से श्री रिएक्ट करते हैं वो जिनका बिल्कुल समझ में नहीं आता, इनका व्यक्तित्व बहुत अलग है और जिस तरीके से इन्होंने मुझे चीजें बोली हैं तो मुझे वो चीजें बहुत कहीं ना कहीं मतलब हर्ट करती हैं। तो वहीं पर ही देखो बातें ऐसी हैं, सुरभि के लिए मैं बोलूं तो देखो प्रवोक वाली बात ऐसी है, अगर तुम किसी को बहुत ज्यादा पिन पॉइंट करते रहते हो ना तो वो गुब्बारा फटता ही फटता है, वो बचेगा नहीं। तो वही वाली बात है कि श्री भी कितना सहन करते जिस तरीके से वो कर रही थी चिल्ला चोट। एक तो पता है होता है कि ना जब कोई चिल्लाता ना कान के ऊपर आके तो ऐसा मन करता है दो कान के नीचे बजा दो, बिकॉज चिल्लाने वाले आदमी, अरे आपको कोई बात कहनी है नॉर्मली तरीके से भी आप बोल सकते हो, कि इतनी बेवकूफी और इतनी इस तरीके से चिल्लाना, एक बहुत ही इरिटेट पर्सन हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं सुरभि को देखकर भी कभी ना कभी ऐसे उनके केस को देखकर ऐसा लगता है कि कहीं सच में वो मेंटली डिस्टर्ब तो नहीं है, या फिर वो बिग बॉस में अब रह नहीं पा रही है, सहन नहीं कर पा रही है उस बर्डन को, और वो कहीं ना कहीं अपने आप को अब उसमें सहन नहीं कर पा रही है, उस एनवायरमेंट में अपने आप को नहीं रख पा रही है वो, तो उसकी वजह से वो बहुत ही अलग ही वे में चली जाती है, अलग तरीके से बोलने लग जाती है, कुछ अलग ही उनका उनका टोन ही बहुत अजीब सा चेंज हो जाता है सुरभि का। ओके वहीं पर ही आज दीपक से स्वामी ने क्लियर की बातें कि देखो दीपक, मेरे पास में दीपिका आई थी जब ये टास्क चल रहा था वीवी सरपंच वाला, तो उन्होंने ये कहा था कि दीपक जिस तरीके से तुम्हें परेशान करता है, जिस तरीके से बातें करता है, तो मैं ये पॉइंट लाना चाहती हूँ, लेकिन मैंने उस चीज के लिए मना कर दिया कि नहीं ये मेरा आपसी पॉइंट है, तो मैं ये अपना आपस में ही जो बातें हैं वो मैं बात करूंगी इस चीज के बारे में, आपसे मैं खुद से ही निपटाऊंगी। तो जहाँ उन्होंने दीपिका दीपक को बोला देखो दीपक मुझे आपसे कोई ऐसा कोई परेशानी नहीं है, या फिर कोई आपको मैं पॉइंट नहीं कर रही हूँ, मैं आपको फेक नहीं बोल रही हूँ आप जो कर रहे हो, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप और एक आप मैं और बाकी के सब घर वाले भी दायरे में रहें, और जिस तरीके से मुझे रोमिल चढ़ाते हैं, सुरभि चढ़ाती है और रोहित चढ़ाते हैं इन चीज़ों को, जिस तरीके से मुझे बोलते हो या कुछ चीजें कहते हो, तो मुझे वो चीजें अच्छी नहीं लगती, तो आपको वो कहीं ना कहीं उन चीजों को कम कर देना चाहिए, क्योंकि टाइम से पहले ही कुछ चीजें खत्म हो जाती है तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो ये कहीं ना कहीं सही बात है, देखो स्वामी की तरफ से बिल्कुल क्लियर है कि वो ठीक है, बेसिकली मैं ये फिर से वही कहूंगी, दीपक का अट्रैक्शन था लेकिन वो अच्छे से समझ रही थी, वो अपने लिए नहीं समझती उनको, तो उन्होंने क्लियरली मना कर दिया। उसके बाद में भी दीपक उनको पिन पॉइंट करते हैं या कुछ ऐसी बातें होती हैं, तो वो एक कहीं ना कहीं गलत हो जाती है एक लड़की के लिए, बिकॉज वो उनको बहुत तरीके से और बहुत ही अच्छे हैंडल करके उन्होंने वो बात उनको समझाई। तो ये सब हुआ घर के अंदर ये सब हुआ है। और कल मंस आज जो मैं भी आपकी वीडियो आने वाली है ये, तो मैं यहीं पर पॉज करके और अभी अपलोड करके आपसे पहले उसके बारे में बात करूंगी। कल सुरभि फिर से बहुत ज्यादा भड़की हैं, बिल्कुल क्रॉस लाइन हो गई हैं वो, और उन्होंने जमकर श्री की सारी चीजें बोल डाली, जो बातें उनकी हुई थी उनके लाइफ पर्सनल लाइफ में जो भी चीजें हुई थी बहुत सारी चीजें उन्होंने बोल डाली हैं आगे। वहीं पर ही उन्होंने श्री संत को तगड़ा ही टारगेट कर डाला है, जहां पर उन्होंने सॉरी गाइस, सीरियसली मैं बहुत ज्यादा डर गई एकदम से, टीवी अचानक से ऑन हो गई, आई डोंट नो कैसे हाउ, मुझे समझ में ही नहीं आया क्योंकि टीवी चल रही थी फिर अचानक से पता नहीं क्या हुआ बंद हो गई और फिर दोबारा से चल गई, वो भी इतनी तेज भयंकर तरीके से, मैं बहुत ज्यादा डर गई, तो उसके लिए सॉरी जो अभी हुआ। और कल कसूर भी काफी हद तक आगे गई हैं श्री के बोलने के लिए, उन्होंने काफी उनके व्यक्तित्व और उनकी पर्सनैलिटी, और मैंने देखो दो बार बोलती है डर के मारे, वहीं पर उन बहुत सारी बातें उन्होंने मतलब इनकी जो लाइफ में हुआ जो घटा है, बैन वैन और थप्पड़ वाली भज्जी की वाली बात, बहुत सारी बातें लेकर आई, बहुत सारे कुछ बोला है, और ऑब्वियसली अगर उन्होंने बोला है तो श्री भैया पीछे रहने वाले थोड़ी, उन्होंने बहुत कुछ बोला होगा। तो गाइज ये हुआ है घर के अंदर, और दीपिका ने फुल ऑन सपोर्ट किया है उनको, कल करेंगी ही अब तो।
तो ये वाली बात हुई है, आप मेरा रिव्यू देखो और बताओ मुझे कि आपको ये सोमी का जिस तरीके से उन्होंने समझाने का तरीका था आपको कैसा लगा, सोमी आपको कैसी लग रही है, क्योंकि मुझे पर्सनली वो बहुत पसंद आ रही है अभी इस टाइम पे। और जिस तरीके से लग्जरी बजट टास्क रद्द हुआ, कैप्टनसी का टास्क रद्द हुआ, आपको क्या लगता है उस चीज के बारे में कि क्या ये सही था टास्क का रद्द होना, और क्या ये आपसी सहमति से नहीं हो सकता था, बेसिकली ये हो सकता था, तो आपकी क्या राय है प्लीज मेरे से शेयर जरूर करें। और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार हो जाओ, मैं जल्दी से आपको वो वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, तो ये देखो और फिर उसके बाद में वो देखो। तो अभी के लिए बाय बाय, मिलती हूँ आपसे अभी थोड़ी ही देर में, वेट करो, बाय।